ई मुद्रा लिमिटेड, और ये एक नया आईपीओ आया हुआ था, अभी जून के महीने में आईपीओ आया था, एंड वेरी सॉरी फॉर द डिले फर्स्ट ऑफ ऑल, बट ये गजब की कंपनी है। ई मुद्रा इज अ फैंटास्टिक स्टॉक, और सबसे बढ़िया बात है डिजिटलाइजेशन, डिजिटाइजेशन का जो थीम है उसका बहुत बड़ा बेनिफिशियरी ये स्टॉक है। और लिस्टिंग जो हुई थी बहुत ही सुस्त लिस्टिंग हुई थी, बट मैंने अनिल जी आपका वीडियो देखा था, आपने बहुत बढ़िया इस कंपनी के बारे में एक्सप्लेनेशन दिया था, प्रमोटर्स का बैकग्राउंड, यस बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्रमोटर बैकग्राउंड, सी ए सी एस आई सी डब्ल्यू ए, और फिर अच्छा खासा बिजनेस एक्सपीरियंस है। फिर जब लिस्टिंग हुई और उसके बाद अब देखिए 270 की लिस्टिंग प्राइस थी और अब 324 के लगभग कल तक ट्रेड करा था, और आज अब अच्छा खासा चल रहा है, और मुझे लगता है कि ये स्टॉक बहुत बढ़िया करेगा, और 400 रुपए का हाइस पहले दिखाया हुआ है। और अब मैं एक बार थोड़ा सा फंडामेंटल्स के बारे में बताता हूँ। देखिए ये कंपनी जिस सेगमेंट में है बहुत बड़े एंट्री बैरियर्स होते हैं इनमें, और कंट्रोलर ऑफ सर्टिफाइंग अथॉरिटी CCA, मतलब MIT MIT के अंडर में आता है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री के अंडर में, और वो डिजिटल सिग्नेचर्स इश्यू करने के लिए इस कंपनी को सर्टिफाई किया है, सो इट इज अ लाइसेंस्ड सर्टिफाइंग अथॉरिटी, तो ये लोग लाइसेंसेस देते हैं। और करीब जो डिजिटल सिग्नेचर्स हम यूज करते हैं, तो आप देखिए 50 मिलियन से ज्यादा, जो कि मैं बोलूंगा कि सुनने में तो बहुत बड़ा लग रहा फिगर, बट अब आने वाले सालों में इंडिया में जिस तरीके का अवेयरनेस, फाइनेंशियलाइजेशन और डिजिटाइजेशन जो हो रहा है, ये फिगर्स और बढ़ेंगे और ग्रोथ और अच्छी आएगी कंपनी की। और कंपनी ने देखिए अच्छा खासा डिजिटल ट्रस्ट सर्विसेज तो ही है, वन स्टॉप सोल्यूशन है पूरे सिक्योर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन का, फिर काफी डाइवर्स एप्लीक और ये कुछ एंटरप्राइज सॉल्यूशंस भी मुहैया करवाती है, तो वहां पे भी अच्छा खासा रेवेन्यूज आता है। और मैं फंडामेंटल्स देख रहा था, तो सबसे बढ़िया बात यह है कि इन्होंने जो आईपीओ से जो पैसा आया उसका बहुत अच्छा उपयोग कर रहे हैं, और उससे बैलेंस शीट में भी अब चेंजेस दिख रहे हैं, और बेहतर तो थी और बेहतर हो रहा है, और वन ऑफ द फाइनेस्ट क्वालिटी आईपीओ था पिछले कुछ साल भर में। तो मैं ये बोलूंगा 29 के रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड बहुत अट्रैक्टिव है, 32% का रिटर्न ऑन इक्विटी, फिर पिछले 3 साल में अगेन 30% की प्रॉफिट की कैगर रही है, सेल्स की करीब 21-22%, फिर ओवरऑल में अगर देखता हूँ फंडामेंटल्स में तो FIIs DIIs अच्छा खासा प्रमोटर 61% लगभग होल्ड करते हैं, और FIIs DIIs करीब 15-16% के लगभग होल्ड करते हैं, एंड आई फील कि ये स्टॉक इन लेवल्स पे अच्छा है, और आने वाले साल फ्यूचरिस्टिक बिजनेसेस के लिए और डिजिटल बिजनेसेस और थीम बढ़ती जा रही है, और अच्छा खासा इन्होंने अपना चैनल का नेटवर्क बना रखा, 90,000 से ज्यादा चैनल पार्टनर्स हैं इनके। सो मुझे लगता है एक जीरो डेट कंपनी, बेहतरीन फंडामेंटल्स, बेहतरीन बिजनेस मॉडल एंड बेहतरीन प्रमोटर बैकग्राउंड, सो इस स्टॉक को खरीदे 370-390 के टारगेट्स के लिए।